हेलो गाइस, मैं उलीशा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यू न्यूज़ में। गाइस, आज के डिजिटल दुनिया में सब कुछ डिजिटल हो गया है और यहाँ तक के जानवर भी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में ऐसा एक मामला सामने आया है जिसे ये लगने लगा है कि जानवर भी अब पीछे नहीं रह गए। दरअसल हम आपको जो घटना बताने जा रहे हैं उसमें एक भैंस को चोरों ने चुरा लिया था, लेकिन भैंस इतनी चालाक निकली कि खुद तो वहां से भाग आई, साथ ही चोरों का सामान भी साथ ले आई, वो भी पुलिस स्टेशन में। गाइस, दरअसल हम बात कर रहे हैं राजस्थान के डिहोली गांव की। यहां पर एक आदमी ने अपनी भैंस चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन कुछ ही दिन बाद उस व्यक्ति की भैंस मध्य प्रदेश के माता अम्बा थाने में मिली। पुलिस का कहना यह है कि चोरों ने वहां से भागकर चंबल नदी पार करके मध्य प्रदेश आने की योजना बनाई और जिसके लिए उन्होंने अपना सारा सामान भैंस की सींग में बांध दिया ताकि वे सामान गिरे ना, फिर वहां से नदी पार करने लगे जिससे भैंस तो नदी पार कर अम्बा थाना पहुंच गई, लेकिन चोरों का अब तक कोई अता पता नहीं है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।